वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है महाशिवरात्रि और आज हम पूजा करने जाएंगे। उसके लिए अभी मम्मा सामान लेने गई है। वेरी मम्मा, मम्मा के पूरे बाल के लिए। हे राज, तो अभी हम आए यहाँ पे पूजा की सामग्री लेने के लिए और ये पूरा है यहाँ पे। गाइज हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा कर दिया था वो, ठीक है। तो अभी हमने पूजा की सामग्री वगैरह सब कुछ ले ली है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। कौन कौन है? मैं हूं, पीहू है और हमारे छोटे से राज बना। राज हाय बोलो सबको। हाय। लेकिन और आज क्या है? आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और क्या है? और है दिवाली। दिवाली नहीं है, विमेंस डे है। आज है विमेंस डे 8th of March। तो आप सबको अब बता दिया, पूरा दिन पड़ा है, जो करना है करो। यस थैंक यू। नो 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 नो, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, बाद में बना देना। आई विल बी हैप्पी। तू एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगी, फुल आउट ऑफ फुल, देन मेरा विमेंस डे वैसे ही हो जाएगा सेलिब्रेट, है ना। तो अभी बस हम जा रहे हैं मंदिर, घर के पास में ही है। पहले मैं यहाँ पे सामान वामान लेने आई थी पूजा सामग्री वगैरह का, तो बस वो लेके अब जा रहे हैं हम तीनों मंदिर। तो चलो चलते हैं अभी मंदिर। फिर हमने सोचा है कि आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए सैंडविच, तो उसका सामान मैंने ब्लिंकिट से मंगवा लिया था। ब्लिंकिट में पूजा सामग्री भी आ जाती बट उसमें सारी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यही सोचा कि ठीक है। फिर मैं पास में ही शॉप रहती है जो सब्जी वब्जी की, उन पर आराम से सारी चीज़ें ही मिल जाती है। मैंने मम्मी जी से पूछा था बेल पत्थर वगैरह का कि है क्या, तो वो शायद 2-3 ही लेके आए थे जो उन्होंने यूज़ कर लिए थे फिर मंदिर गए थे तब। तो मैंने कहा फिर अब मैं जाऊंगी तो फिर सारी चीज़ें एक साथ ही अच्छा वो ही ले लूँगी, पूरा बना के देते हैं जो। चलो अब चलेंगे हम मंदिर, और बहुत पास है हमारे घर के। अच्छा मम्मा, फॉर्च्यूनर की बात तो बेटा, ये कार कैसे अच्छी लगेगी तुम्हें? मम्मा अब तो आप अच्छे से चलाने लग गए हो, अब तो लर्नर का वो निकाल दो। पूरा सामान वो पहले पहुंच गया राज को। ये पहले पहुंच गया राज। चलो पूजा करें। A few moments later. और आज है मेरे साथ अगेन कोमल चौहान मेरे ब्लॉग में। और आज सुबह हमने शिवरात्रि की पूजा की थी, उसके बाद घर जाके खाना पीना ये सब, और शाम को अभी मैं और कोमल आए हैं बापू बाज़ार में, क्योंकि हमने अभी जैसा कि आपको पता है कि हमने नई सीरीज स्टार्ट करी थी मार्केट्स ऑफ जयपुर, तो उसमें सेकंड नंबर पे हमारा बापू बाज़ार का जो मार्केट है वो आने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, और कैसे आए हैं वो हमारा दिल जानता है। हमारा प्लान था कि हम है ना 3 बजे निकल जाएंगे घर से, और अभी बज रहे हैं 5:30। रीज़न ये रहा कि मुझे लगा पापा जी मम्मी जी हैं घर पे, तो मैं बच्चों को खाना वाना खिला के उसके बाद निकल गई। मैंने कहा उठेंगे तो मैं फ़ोन कर दूँगी, वो 3:30-4 बजे के आसपास उठते हैं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा फ़ोन कर देना, इन्होंने फ़ोन किया तो पता चला वो मार्केट गए हुए हैं। फिर हम आधे रास्ते से मैं और कोमल भाई का दोनों वापस घर गए, फिर 1 घंटा बैठ के वेट किया जब पापा जी मम्मी जी आए, उसके बाद हम निकले। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम फटाफट से अपना शूट स्टार्ट करते हैं। मैं
आज हमने पकड़ा है इन भैया को ये आज हमारा वीडियो शूट करेंगे। अच्छे भैया एक बार में बोल दिया ठीक है मैं कर दूंगा। हम यहाँ पे करने वाले हैं अपना शूट। अभी हमारा एक शॉट तो हुआ है पूरा और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, मेरा मन कर रहा है खरीद लूं। सब कुछ ये शूट करने में लगी हुई है। ये है नारायण की दुकान और ये भैया बहुत अच्छे, इन्होंने हमारा सेकंड कंटेंट शूट किया है। नहीं पसंद आया। और अब हम खाएंगे गोलगप्पे क्योंकि बापू बाजार के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं। यार एक शॉट ले लेते ना किसी से। अभी बच चुके हैं 6 और हमने खाए गोलगप्पे और उसके बाद अभी हमने खाए गोलगप्पे और उसके बाद मिर्ची लग रही है। कुछ मीठा खाना है, कुछ खाएंगे अच्छा सा। अब हम यहाँ पे आए हैं कॉर्ड सेट वगैरह देखने के लिए, ये सब दिखाए हैं बट हमें कुछ डिफरेंट सा चाहिए। ये देखो ये मेरे को लो, हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन साइड पे डिजर्व कर दी है बैठ के बिना। तो अभी थक चूर के हम लोग आए हैं गुलाब जी चाय वाले के, ऑन द वे था और दिख गया। मैं कॉफी लूंगी यार, चाय नहीं लूंगी क्योंकि अभी हालत खराब हो गई, लग रहा है जुकाम टाइप हो रही है। तो हमने रुक के हमने सोचा कि चाय या कॉफी कुछ पी जाए और उसके बाद घर चला जाए। व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव, मैगी, चाट, मसाला ब्रेड, छोले टिकिया, प्लेन मैगी। हम कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं फिर निकलते हैं। मिनी मील्स सब कुछ अवेलेबल है। तो ये है गुलाब जी चाय कॉफी। ये तो कराओ आप फिर वापस आओ प्लीज। हाँ देखो जल्दी चाय और कॉफी। हे गाइस तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, चेंज वेंज कर लिया है और बच्चों ने तो खाना खा लिया था नीचे ही और मैंने बाहर थोड़ा बहुत खा लिया था। अब खाना वाना तो बनाना नहीं है लेकिन कल से पीहू के फाइनल एग्जाम्स हैं तो मैं इसको बोल के पढ़ने के लिए और गाइस मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं। हाँ तो मैं पीहू को पढ़ने के लिए बोल, नहीं यार छोटे बच्चों के कहाँ होते हैं, मतलब ऐसे छोटे मोटे नॉर्मली होंगे। तो मैं पीहू को पढ़ने के लिए बोल के गई थी और पीहू खुद से पढ़ती है, शुरू से इसको हैबिट है। तो बस अब मुझे इससे पूछना है, बाकी पीहू खुद से पढ़ चुकी है सब कुछ। सो आई एम जस्ट आस्किंग हर। सो पीहू व्हाट आर एडवर्ब्स? Adverb is a word that tells us more about a noun, a pronoun, or any other adverb in the sentence. Okay, give me some examples. Examples are adverb of manner, adverb of place. No. I'm just asking in general. What examples? These are the types of adverbs that you are talking about. I'm just asking the examples of adverbs. Very. Today. Almost. Yes. Now tell me the types of adverbs. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, and adverb of frequency. Okay, what is adverb of manner? Adverb of manner tells us how an action is done and it what is it answer? Okay. So it answers how and in what manner something is being like done. Like softly.